हाय फ्रेंड्स, चक्रवर्ती बर्ड फार्म से सौमेन चक्रवर्ती आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना नहीं सका, मैं काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर था इसलिए, और मैंने बहुत बाहर से बहुत बर्ड भी परचेस करके लिया ले आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएं। और फ्रेंड्स, मेरा शादी भी था इसलिए बहुत बिजी हो गया था, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो ठीक टाइम पे नहीं बना सका। अब आज का जो मौसम है, कलकत्ता में बहुत बारिश चल रहा है, बहुत मॉइस्चर है यहाँ पे देखा जा रहा है। मेरा सभी फ्रेंड ने कमेंट में भी बोला और मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोला कि वो सभी का एक दो जोड़ी बाट बीमार पड़ जा रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए आप अपने बाट को कैसे केयर करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इस वीडियो के इसलिए मैंने कुछ वीडियो बनाया हूँ आज आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये जो अभी का जो मौसम है, इस मौसम में अगर किसी भी नया बाट आपने परचेस करके अपने घर में ले आया तो उसको थोड़ा सेफ जगह पे रखे, और जिस बाट का डिवर्मेंट कंप्लीट नहीं हुआ, उसका मॉन्ग्स का ट्रीटमेंट नहीं किया, वो अभी कर सकते हैं और एंटीबायोटिक से थोड़ा दूर रहे। और बाट को आप एंटीबायोटिक ज़्यादा मत दे, जो बाट जो भी फूड्स जो भी सीड वगैरह फेवर करते हैं उस बाट के लिए आप एक काम कीजिए, हनी जरूर खाई दे दीजिए। हनी देने से बाट का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी पावर भी बढ़ जाएगा, और इस मौसम में बाट आपका बहुत अच्छा लगेगा, बाट बीमार भी नहीं पड़ेगा। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका घर में कुछ बाट है तो बाट पालते हैं घर में, केज में रखते हैं, छोटा केज में रखते हैं, इसलिए बहुत फंगल इन्फेक्शन होता है। आप ये सब बाट को नियमित भाड़कन स्प्रे ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, बहुत सारा फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट में ये किया है जो मेरा बाट अभी बीमार पड़ गया, उसका फेदर फुल हो गया और हल्का हो गया, और बाट बीमारी के वजह से जो छोटा किस्म का बाट करते हैं, बर्जीगर करते हैं, लबट करते हैं, फ्रेंच करते हैं, कोकाटो करते हैं, इस टाइप का बाट के लिए जो बहुत सारा आदमी एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो आप एंटीबायोटिक से ज़्यादा बाट को दूर रखिए। एंटीबायोटिक बाट के लिए बहुत हानिकारक है, एंटीबायोटिक मत यूज़ कीजिए। तो एक काम कर सकते हैं, बहुत हल्का डोज का एंटीबायोटिक है ये, आपको बाट को कम नुकसान तो होता है, कम नुकसान होता है, टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, और टेट्रासाइक्लिन देने के बाद ज़रूर अपने बाट को एमबीबीप्लेक्स मल्टीविटामिन नहीं, आप बी कॉम्प्लेक्स जरूर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नया नया वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा बाट मैंने बाहर से परचेस करके ले आया हूँ, आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।